अरे कृष्णा, तो आज का टॉपिक है क्या पुण्य कर्म पाप कर्म को काट सकते हैं। तो आज हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो पुण्य कर्म एक्चुअली पाप कर्म को नहीं काट सकते, क्योंकि पुण्य कर्म की हमें अलग से भोगने पड़ते हैं और पाप कर्म जो है हमें उनकी सजा अलग से भोगनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि हमने किसी का एक्सीडेंट कर दिया रात को और सुबह जाके हमने किसी अस्पताल में जाके किसी गरीब की या किसी की बीमार की हमने इलाज करवा दिया, तो ऐसा नहीं होगा कि जो हमने पाप कर्म किया और उसका पुण्य कर्म से हम उसको काट सकते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि पुण्य कर्म और पाप कर्म की सजा हमें अलग अलग से भोगनी पड़ती है। लेकिन हम अगर पुण्य कर्म भी ना करें और पाप कर्म भी ना करें और इन दो कर्मों को भोगने के बजाय हम ऐसा कुछ करें जो इन हम जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट सकें, तो वो है अकर्म। तो हमें जो भी कर्म करना है वो हमें भगवान की शरण में जाके करना है और भगवान के लिए करना है। जैसे कि हम भोजन भी करते हैं तो भगवान को अर्पण करके करें, क्योंकि जो भी हम पुण्य कर्म करते हैं और पाप कर्म करते हैं उस वो हमें भुगतने पड़ते हैं। पाप कर्म करेंगे तो उसकी सजा अलग अलग नरक है, उसको हमें अलग अलग नरक में जाके उसकी अलग अलग सजा भोगनी पड़ती है। और पुण्य कर्म करते हैं तो हमें स्वर्ग लोक में जाएंगे, फिर उन पुण्य कर्मों को भोग के हम वापस से इस धराधाम पे आएंगे, या तो 14 ब्रह्मांडों में आते हमारी जो है जन्म मृत्यु का चक्कर चलता रहेगा। तो भगवान कहते हैं कि पुण्य स्वर्ग लोके पुण्य लोक पुण्य लोकम मृत्युम विशंति, के भगवान कहते हैं कि जो भी व्यक्ति पुण्य कर्म करता है उसका जो पुण्य क्षीण होता है, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, यानी उसका जो पुण्य क्षीण हो जाता है वो खर्च हो जाता है, तब वो वापस इस धराधाम में जगत में लौटता है। जैसे कि आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, यानी आपके अकाउंट में जितने पैसे हैं उतने ही आप खर्च करोगे, उसके बाद आप उसको खर्च नहीं कर पाते, आपको फिर से अकाउंट में पैसे डलवाने पड़ते हैं। जैसे क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड में आपकी लिमिट 50,000 रुपीज है, तो 50,000 रुपीज आपने खर्च कर लिए तो आप उसको फिर पेमेंट डेट आने के पहले अगर या पेमेंट डेट पे ड्यू डेट पे आप उसको पेमेंट चुका देंगे तो क्या होगा कि फिर से आप उसको है ना उसको 50,000 फिर से आप खर्च कर सकते हैं। तो पुण्य कर्म ऐसे हैं कि जब हम पुण्य करेंगे स्वर्ग लोक में जाएंगे उसको भोगेंगे वापस आएंगे, पुण्य करेंगे स्वर्ग लोक में जाएंगे उसको भोगेंगे वापस आएंगे, तो क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति चलता रहेगा, हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसते रहेंगे। तो इसको मिटाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें भगवान के लिए कर्म करना चाहिए। जो भी हम कर्म करें वो भगवान को हमें सेंटर में रख के करना चाहिए, और जो भी है, और पाप कर्म तो हमें बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमें हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि एज अ परमात्मा शिरो दीक्षाए विष्णु के रूप में भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं, तो हमें पाप कर्म तो करना ही नहीं चाहिए। और उसमें से 4 मुख्य कारण हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। एक है इलिसिट सेक्स, दूसरा है जुआ, तीसरा है हमें किसी के ये मर्डर नहीं करना चाहिए, यानी मीट नहीं खाना चाहिए, और चौथा है इंटॉक्सिकेशन यानी सिगरेट तंबाकू, ठीक है, और दारू का सेवन नहीं करना चाहिए। ये 4 कर्म नहीं करेंगे तो हम इन पाप कार्यों से बच सकते हैं, क्योंकि एक हमें अकर्म करना है, जो भी करना है वो भगवान के शरण में जाके भगवान को सेंटर में रख के जो भी कार्य करना है वो कर्म करना है, तो वो क्या बन जाएगा, अकर्म बन जाएगा, वो पाप कर्म और पुण्य कर्म से ऊपर रहता है। क्योंकि एक भक्त के लिए पाप कर्म और पुण्य कर्म दोनों ही पाप है, दोनों ही विकर्म है। एक्चुअली जो कर्म भगवान के लिए नहीं किया जाए वो विकर्म है। विकर्म मतलब के भगवान के लिए नहीं किया जाने वाला कर्म, कृष्ण भावनामृत कर्म जो नहीं है वो विकर्म है। यानी अगर आप किसी को खाना भी खिला रहे हो और अपना अपना जो ड्यूटी नहीं कर रहे हो और किसी को खाना खिला के आ रहे हो, तो वो भी पाप कर्म होगा, क्योंकि भगवान ने उसे वो दिया नहीं है और आप भगवान के इसमें इंटरफेयर करके उस व्यक्ति को खाना खिला रहे हो। तो जैसे कि एक व्यक्ति है उसको वो भी आपको भोगना पड़ेगा। जैसे कि एक कैदी है जेल में, उसको आप पीछे के दरवाजे से जाके छुड़ा के आए तो पुलिस आपको भी पकड़ेगी तो सजा देगी और उस कैदी को भी सजा देगी फिर से। तो हमें पुण्य कर्म भी करें तो हमें सोच समझ के करना चाहिए, तो हमें पुण्य कर्मों में भी फंसना नहीं चाहिए, क्योंकि हम पुण्य कर्म भी करेंगे तो वापस इस धरती पे आएंगे। ये ऐसा लोग इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी जो सोच है वो सिर्फ स्वर्ग लोक तक है, इसीलिए वो पुण्य कर्म करते हैं और वो स्वर्ग को भोगना चाहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ये जानते नहीं है कि स्वर्ग लोक के भी ऊपर लोक है और उसके ऊपर इस ब्रह्मांड में 14 लोकों से भी ऊपर, काफी ऊपर जो है भगवान का भगवत धाम है, जिसे गोलोक वृंदावन धाम कहा जाता है। तो हमें अकर्म करेंगे तो हम भगवत धाम में जाएंगे और इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बचेंगे। तो हमें पुण्य कर्म जो है वो पाप कर्म को नहीं काटते,
हमें पुण्य कर्म अलग से भोगने पड़ते हैं और पाप कर्म अलग से भोगने पड़ते हैं, तो हमें अकर्म करने चाहिए, भगवान के लिए कार्य करना चाहिए। हरे कृष्णा। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि और लोगों तक ये मैसेज पहुंच सके। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद।